सब्सक्राइब कीजिए आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिले। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महंगाई, रसोई गैस और बढ़ते बिजली के दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। इस बार मुंबई महिला कांग्रेस पार्टी की महिलाओं ने महंगाई का जाहिर निषेध किया है। कांग्रेस ने मुंबई में 15 जगहों पर धरना दिया। ऐसा ही नजारा चेंबूर रेलवे स्टेशन के बाहर भी देखने मिला, जहां पूर्व मंत्री चंद्रकांत हांडोरे, पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़, नगर सेविका संगीता हांडोरे, मुरली पिलाई सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने इस महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। ये रसोई का गैस जनरली महिलाओं से संबंधित विषय है। बिजली भी हम लोग ने इसके बिजली का भी विषय लिया है। ये दोनों विषय के ऊपर आज यहाँ पर चेंबूर रेलवे स्टेशन के सामने धरना प्रदर्शन हो गया। आपको पता है कि 2012 में 2013 में रसोई गैस का कीमत एक सिलेंडर का 300 रुपये के करीब था, लेकिन आज 2018 में वो 300 रुपये से लेके 1000 रुपये तक उसका बढ़ोतरी हो गया, मतलब 700 रुपये बढ़ा दिया। तो सर्वसामान्य पब्लिक, मध्यम वर्गीय, ये कहाँ से ये पैसा देंगे? एक तो नोटबंदी की वजह से लोगों का प्रॉब्लम हो गया, उसमें रसोई गैस का जो दर है, कीमतें है, वो भी डबल डबल बढ़ा दी गई। अभी ये रिलायंस कंपनी मुंबई उपनगर को बिजली सप्लाई करती थी, अभी मुंबई शहर में आप देखेंगे कि टाटा की पावर कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की, MSEB भी है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी का है, उसके बाद में BST है और उसके बाद में रिलायंस है। तो आप देखेंगे कि वहाँ का वो अलग अलग कंपनी का जो रेट, उसमें और रिलायंस में बहुत ही फर्क था। लेकिन अभी रिलायंस भी बेची गई, अभी अदानी आ गए, अदानी ने 2 महीने के अंदर इतना भाव बढ़ा दिया कि जिधर 1000 रुपया बिल आता था वो 2000 के ऊपर चला गया। तो इसका निषेध करने के लिए ये जो भाव बढ़ा है वो भाव कम करना चाहिए, इसके लिए ये आंदोलन है। और साथ साथ जो गैस का दाम भी बढ़ गया वो भी सरकार ने कम करना चाहिए, ये सरकार को बताने के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन हम लोगों ने शुरू। काँग्रेसच्या सर्व महिलांच्या वतीने हा जो निदर्शनाचा आम्ही कार्यक्रम आयोजित केला होता, कारण हे आंदोलन आम्हाला करणं गरजेचं होतं। कारण या ठिकाणचे लाईट बिल आहे, ती लाईट बिल खूप येत होता, गोरगरिबांनी ह्या लाईट बिलाचं काय करायचं? कारण 1000-2000 रुपये जर लाईट बिल आला तर गोरगरिबांनी तो कसा भरायचा? यासाठी आम्ही ह्या ज्या मोदी सरकारांचा निषेध करण्यासाठी हे आंदोलन आम्ही या ठिकाणी केलं होतं। जो घर चलाते हैं महिलाएं, वही महिलाएं को मालूम पड़ता है कि कितनी महंगाई हो रही है, और इसी वजह से ये हर जगह ये धरना लिया जा रहा है कि लाइट बिल। अब रिलायंस अंबानी के, अडानी के पास आया, अडानी ने 28 रुपए यूनिट के हिसाब से आगे जो बिल, जो इतने कभी 1500, एक स्लम में रहने वाले लोग कहाँ से 500 रुपीज़ या 1500 यहाँ तक बिल आ रहा है, तो कहाँ से एक सामान्य आदमी भरेगा? और जो इंसान अगर 10000 रुपये कमा रहा है वो बिल इतना भरेगा या रसोई घर कैसे चलाएगा? महंगाई तो बहुत बड़ी है, और BJP गवर्नमेंट इतनी महंगाई बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो हमें दिख रहे हैं, वो बीजेपी पार्टी के अच्छे दिन आए हैं और वो पब्लिक की जनता के लिए अच्छे दिन नहीं आए। महिलाओं पर घर की सारा जो मर्डर है, जो घर का जो कारोबार है, महिलाओं पर देखना पड़ रहा है। इसमें हमने भी उनको सहयोग किया और ये सही बात है कि महिलाओं को तो उतरना पड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, हर आम आदमी को, हर महिलाओं को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का साथ देना चाहिए। और अगर उन्होंने साथ नहीं दिया इसमें कांग्रेस पार्टी के इन प्रदर्शन में और नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ अगर आम महिलाओं ने आवाज़ नहीं उठाई तो वो अपने बच्चों के साथ, अपने आने वाले भविष्य के साथ वो नाइंसाफी करेंगी। 1000-8000 रुपया महिला कमाता है, आप हमको बताइए कि वो अपने बच्चों का पेट, बिजली का बिल और गैस का बिल भरेगा, या अपने बच्चों का पेट भरेगा, या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाएगा? मुझे नहीं लगता है कि सरकार में कोई आम आदमी अपने बच्चों को सही तरीके से पेट
और उनका पालन पोषण और उनको शिक्षा दिला सकता है। 7000 बिल आएगा इंसान का, उसका पेमेंट 10000 आएगा, और 7000 पेमेंट बिल भरे या घर चलाए अपना खुद का। और बढ़ोतरी की वजह से है ना इतनी महंगाई हुई है, तो इंसान मतलब घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। तो इसकी वजह से है ना बिल का जो है ना रिलायंस का वो बिल तो है ना गवर्नमेंट ने पूरा कम बीजेपी ने कम करने चाहिए। और गैस का भी जो है ना गैस का भी है ना ज़्यादातर कम करनी चाहिए, बढ़ाने नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है ना मुश्किल ऐसा मतलब गरीब लोगों को तो ऐसा लग रहा है जय करके मर जाए करके, क्योंकि इतने बच्चे लोग हैं, पहले ठीक थे तो अब भी है ना इतने है ना 3-4 इनको पढ़ाए खाना खिलाए क्या करे।